अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अदर व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ कैरेबियन आइलैंड फार्म हाउस में। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, शादी के हवाले से, पिकनिक के हवाले से आप इधर विजिट कर सकते हैं। फार्म हाउस बिल्कुल सुपर हाईवे टूल प्लाजा के बिल्कुल करीब मौजूद है। तो दोस्तों आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। आपको आज मैं पूरे फार्म हाउस का विजिट कराऊंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। चले आपको फार्म हाउस का विजिट करवाते हैं। यार तो दोस्तों मेरे चैनल से आप विजिट करेंगे तो इनशाला मेरा नाम लेके इधर आप जरूर विजिट करें, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो इनशाला वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको फार्म हाउस विजिट करवाते हैं जी। तो दोस्तों व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। ये है एंट्रेंस फार्म हाउस की, और फार्म हाउस जो है वो दो पार्ट्स में है। इधर फार्म हाउस वन है, फार्म हाउस टू है। तो वन का जो गेट है वो सामने से उस वाले फार्म हाउस में अगर आना है तो उसका गेट अलग है, और जो इसमें हम फार्म हाउस नंबर टू में मौजूद हैं तो इसका गेट इधर है। और ये पार्किंग एरिया है पूरा, जितना भी मेरा आप देख रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा पार्किंग एरिया है। और यहाँ से हम एंटर होते हैं और ये आप पूरा रैंप देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत चौड़ा रैंप है। और इन्होंने मुझे बताया कि ये यहाँ पे गाड़ी, ये रैंप चौड़ा बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई माजूर शख्स है या कोई ऐसा शख्स है जो चलते हुए नहीं आ सकता वहाँ तक, तो उसको गाड़ी के थ्रू हम वहाँ तक गाड़ी भी वहाँ पर आ सकती है। तो यार दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल आवाम की सहूलत के को देखते हुए जो है ये फार्म हाउस बनाया गया है। तो यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। और एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है ना यार, ग्रीनरी, ग्रीनरी से आपके भाई को जो है ना ख़ास मोहब्बत है। ग्रीनरी बहुत है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं हर किस्म के प्लांट्स इधर मौजूद हैं और बहुत ही ग्रीनरी है माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह व्लॉग में मैं आपको ग्रीनरी भी दिखाऊँगा, यहाँ पर रूम्स वगैरह भी दिखाते हैं, पूल कैसा है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये देखें। तो अभी मैं रैंप पे ही चलता हुआ जा रहा हूँ सीधा, उसके बाद मैं आपको गार्डन दिखाता हूँ, गार्डन में क्या क्या चीज़ें हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से फार्म हाउस को डेकोरेट किया है प्लांट्स के थ्रू, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमजा भाई के चैनल को। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, आगे और क्या है ये आप देख सकते हैं। पूल एरिया भी है तो पूल एरिया मैं आपको दिखाऊँगा, इससे पहले मैं आपको गार्डन दिखाता हूँ। यहाँ पे स्विंग राइड्स मौजूद हैं, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये बता रहे हैं ये खुद इन्होंने डिज़ाइन करवा के ये बनाया है, जितने भी यहाँ पर झूले लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं, जितने भी खूबसूरत से रिंग वाले, और ये जो बिल्कुल स्विंग वाला राइड रस्सी है, मोटी रस्सी वाला, ये भी इनका खुद का है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त यार, एक बहुत सुकून मिलता है फार्म हाउस में पिकनिक करके, और अपने इवेंट्स भी आप करवा सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें बहुत बड़ा गार्डन है, इसी तरीके का गार्डन सामने भी है। और ये फार्म हाउस जो दो फार्म हाउस हैं, कैरेबियन फार्म हाउस के दो फार्म हाउस हैं, दोनों बुक करवाना चाहें तो दोनों बुक करवा सकते हैं, वरना तो एक उस तरफ है सामने की तरफ और एक ये वाला फार्म हाउस है। तो चलें मैं आपको पूल दिखाता हूँ, उसके बाद हम रूम्स की तरफ चलते हैं जी। तो दोस्तों माशाल्लाह देख सकते हैं ये है पूल एरिया, पूल में पानी बिल्कुल लेवल है माशाल्लाह से, कोई ये नहीं है कि थोड़ा कम हो, लेकिन आप माशाल्लाह देख सकते हैं अगर इसमें सारे जब आप पिकनिक्स पे आए तो फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, जब पूल में जाएगी तो पानी और लेवल बाहर होगा, उसके लिए आप ये देख सकते हैं ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त पूल मुझे लगा यार माशाल्लाह से। और ये हाफ कट शेड माशाल्लाह इधर मौजूद है, और ये बता रहे हैं कि इसी फार्म हाउस पर ये डिज़ाइन लेकर आया गया हाफ कट शेप में, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये पूल आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ब्लू वाटर है ये दोस्तों, माशाल्लाह देख सकते हैं ये पूल एरिया है पूरा, बहुत बड़ा सा पूल एरिया है। और ये जो हाफ कट शेड मौजूद है इधर, बहुत ही ज़बरदस्त, जो मतलब सन की तरफ नहीं जाना चाहते वो इधर बैठ जाए, लेकिन ये जो स्टाइल है, ये जो डिज़ाइन है माशाल्लाह आपको इसी फार्म हाउस पर मिलेगा।
बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों ये हाफ कट शेड माशाल्लाह आपको इसी फार्म हाउस पे मिलेगा माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। और पूल एरिया भी बहुत अच्छा है, सामने आप देख सकते हैं कोकोनट ट्री भी मौजूद है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है यार, ग्रीनरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है फार्म हाउस की। और ये अभी आप देख सकते हैं ये गेमिंग जोन है, गेमिंग एरिया है माशाल्लाह। उसमें जो मतलब फार्म हाउस में जो चीजें होती हैं, स्नोकर होता है और कैरम होता है, इस तरह की आपको गेम्स इधर मिल जाएंगे और आप यहाँ पे इस चीज का भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं रूम्स की तरफ, रूम्स एरिया ये है माशाल्लाह, तो रूम्स की तरफ चलते हैं कि रूम कैसे हैं। जी तो दोस्तों ये मैं रूम्स की तरफ एंटर हो गया हूँ, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये इस का लिविंग एरिया है, लाउंज है माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, सोफे चेयर और नीचे सेटिंग का भी इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। बाकी ये जो हम लोग जो नॉर्मल लोग जो यहाँ पे आके पिकनिक करते हैं, जिनको मतलब पिकनिक का एक एहसास होता है और पिकनिक का जो एक एंजॉय किया जाता है, वो ये पूरा बड़ा लाउंज आप देख रहे हैं ना, नीचे बैठ के दरी लगा के दस्तरखान पे बिरयानी और जो भी मतलब खाने की चीजें आप लेकर आए, वो सब एक साथ बैठ के खानदान बैठ के खाता है, तो बहुत ही मजा आता है। मुझे तो बहुत मजा आता है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ खानदान के साथ विजिट करता हूँ पिकनिक्स पे, बहुत मजा आता है। बाकी ये रूम नंबर वन है, आप देख सकते हैं ये इधर एसी नहीं है रूम नंबर वन में, तो सेकंड रूम में मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर एसी है, तो ये सेटिंग और बेड इधर मौजूद है बहुत ही जबरदस्त। और ये वॉशरूम है एरिया माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। आगे चलते हैं आगे दूसरा रूम कैसा है। बाकी दोस्तों लाउंज में ही दोनों रूम अटैच है, ये आप देख सकते हैं, ये इस रूम में एसी है, एक रूम में आपको एसी मिलेगा एक रूम में आपको एसी नहीं मिलेगा, टू रूम्स है एक लाउंज है माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इधर चेयर्स हैं और टेबल्स वगैरह मौजूद हैं, इधर बेड है, बहुत ही जबरदस्त रूम है और दोनों रूम्स के अंदर अटैच वॉशरूम्स हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और किचन जो लाउंज के बिल्कुल अटैच है माशाल्लाह से जबरदस्त, डीप फ्रीजर आपको मिल जाएगा, एक पिकनिक के हवाले से बहुत ही जबरदस्त ये फार्म हाउस है। इधर आप जो है वो इवेंट्स भी होते हैं शादी वगैरह के, कवाली नाइट होती है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो दोस्तों ये था लाउंज और रूम्स, तो अभी बाहर निकलते हैं यहाँ से तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं चेयर्स वगैरह मौजूद हैं और पूल के पास जो ये वाली सेटिंग होती है ये भी मौजूद है। आपके भाई को बहुत जबरदस्त लगा ये फार्म हाउस, बहुत ही माशाल्लाह जबरदस्त वीआईपी। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा गार्डन, इसकी वीडियो में बस नाइट की मौजूद है, वो भी आप गार्डन जो है ना मुझे यार बहुत अच्छा लगा, आपके भाई को बहुत ग्रीन भी पसंद है। तो ये लॉन नंबर वन है और लॉन नंबर टू उस तरफ है और ये दो फार्म हाउस हैं, दूसरा फार्म हाउस में थोड़ा काम जारी है लेकिन दोनों सेम बने हुए वो फार्म हाउस, तो आप इधर ज़रूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर लोकेशन सब मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इधर सारा ग्रीनरी ग्रीनरी है यार बहुत ज़बरदस्त। जी तो दोस्तों ये था कैरेबियन फार्म हाउस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर विजिट करिएगा इधर फार्म हाउस पे और इवेंट भी कर सकते हैं आप इधर, शादी कवाली और मेहंदी
निकाल जो भी आप करना चाहें इधर फार्म हाउस पे कर सकते हैं। और तो और पिकनिक्स के लिए वो फार्म हाउस बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ग्रीनरी इधर बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, पूल भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।